मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बंगलुरु से जॉली ग्रांट पहुंचे, जिसके बाद वे थानो वन विश्राम गृह पहुंचे और अपनी विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं से चर्चा की, जिसमें कालूवाला से सैन चौकी को जोड़ने वाला सड़क व अन्य सड़कों के मुद्दे अहम रहे। बता दें कि पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि बंगलुरु में कृषि के क्षेत्र में उत्तराखंड को दूसरी बार अवार्ड मिला है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। पिछले वर्ष इस अवार्ड की राशि 1 करोड़ रुपए थी, लेकिन इस वर्ष बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी गई है, जो कि कुल 6 करोड़ हो गई है। अब भारत सरकार द्वारा कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए सूबे को 6 करोड़ रुपए दिया जाएगा, जिससे उत्तराखंड में कृषि की दिशा और दशा दोनों सुधरेगी। एक बड़ी उपलब्धि है ये, और राज्य को लगातार दूसरी बार अवार्ड मिल रहा है। पिछले वर्ष का अवार्ड भी उत्तराखंड को मिला था और इस वर्ष भी अवार्ड उत्तराखंड को मिला है, और जिसमें इसकी राशि पहले 1 करोड़ रुपये थी और इस वर्ष इसकी राशि 5 करोड़ की गई, यानी कि 6 करोड़ रुपया भारत सरकार के द्वारा ये उत्तराखंड को दिया जाएगा। इससे पहले 10-11 का अवार्ड भी उत्तराखंड को मिला था, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, पृष्ठभूमि इसलिए जा रहा हूँ कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में रही, सरकार ने किसानों के हित के लिए अनेक निर्णय लिए, जिसके कारण हमारे किसानों की जो आजीविका है उसमें परिवर्तन आया, और कई ऐसे इनोवेटिव निर्णय लिए जो दूरगामी परिणाम राज्य को देंगे। और इससे ये भी साबित होता है कि जो सरकार है वो किसानों के हितों के प्रति कितनी सजग है, कितनी चिंतित है, और उनकी समस्याओं का समाधान किस गति से करती है। ये अवार्ड उसकी भी एक तरह से प्रमाण देते हैं। अनेक निर्णय लिए जिसके